सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात बोलूंगी कि बहुत आए बहुत गए, लेकिन जिस औरत ने बच्चा पैदा कर लिया, जो औरत माँ बन गई, उसके धैर्य को कोई छेड़ भी नहीं सकता, उसके पेशेंस को कोई टच भी नहीं कर सकता। तो चाहे कितनी भी कोशिश कोई कर ले, बॉडी शेमिंग कर ले, गलत बोल ले, गंदा बोल ले, लेकिन मैं उस लेवल तक कभी भी नहीं जाऊंगी। और ऐसे लोगों को मैं हाथ जोड़ के बस नमस्ते कहूंगी कि अपना रास्ता देखिए। एंड जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, डेली ब्लॉगर का सबसे पहला उसूल ही यही होता है, पेशेंस। तो जिस ब्लॉगर के अंदर पेशेंस ही नहीं है रिएक्शन झेलने का, वो ब्लॉगर आगे क्या करेगा, ये आप सब लोग अपनी आंखों से खुद देख लीजिएगा। मैं जवाब देती हूँ तो अपनी मर्जी से देती हूँ, और जवाब देती हूँ तो उसको देती हूँ तो जवाब देने के लायक होता है। सो हेलो, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून, और मैं हूँ ज्योति। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। सो जो चैनल में न्यू है, मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी नाफरमान एंड फैमिली का व्लॉग देखा, और उसमें भोलू और घायल छोटे छोटे बच्चों को बारबी डॉल बना रहे थे, जो कि वाकई में एक बहुत ही क्यूट जेस्चर लगा, क्योंकि बहुत टाइम के बाद, इतना क्रिंज कंटेंट के बाद, इन लोगों ने एक ऐसा कंटेंट के बारे में सोचा। भले ही कंटेंट के लिए ये सब किया हो, लेकिन यस, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस में, व्लॉगिंग में ये इस तरीके का कंटेंट अगर रहे तो मजा आ कि कोई इन लोगों को टच भी कर सके या कोई इन लोगों को कुछ बोल भी सके। क्योंकि कंटेंट हमेशा वो दिखाना चाहिए, कंटेंट हमेशा वो लेके आना चाहिए जब आप एक औहदे पे पहुंच जाते हो। मैं उन बड़े बड़े डेली ब्लॉगर्स की बात कर रही हूँ कि कंटेंट हमेशा वो लाना चाहिए, वो लॉजिक्स कंटेंट के अंदर होने चाहिए, जिन्हें देख के चार लोग उस चीज को करने के लिए इंस्पायर हो, बजाय किसी भी फेक स्क्रिप्ट के बनाने के। तो आज जो इन लोगों की स्क्रिप्ट मुझे लगी, जो कंटेंट इन लोगों का लगा, वो वाकई में एक बहुत ही स्वीट जेस्चर था उन सब बच्चों के लिए जो शायद इस लग्जरी लाइफ के लिए, इस स्पेशल फीलिंग के लिए तरसते हैं। तो अगर इनको देखा जाए कि कोई और भी चार बच्चों को और इस तरीके का स्पेशल फील कराए, तो धीरे धीरे ये संख्या हमेशा बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, क्योंकि इन्फ्लुएंसिंग का जमाना है। एक इन्फ्लुएंसर को देखने वाले लाखों में व्यूअर्स होते हैं, लाखों की ऑडियंस होती है, और हर कोई अपने फेवरेट ब्लॉगर को एडमायर करता है, उसको आइडलाइज करता है और उससे चार चीजें सीखता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है नाफरमान एंड फैमिली का, अगर वो लोग इस तरह के कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो अच्छी चीज, क्योंकि ये कंटेंट एक सोशल वेलफेयर के अंडर आ जाता है, और जब बात सोशल वेलफेयर की आती है तो जाहिर सी बात है कि हर ह्यूमन बींग इस चीज को सपोर्ट ही करेगा, क्योंकि ये चीजें हमारे समाज के लिए है और हम इसी समाज का हिस्सा है। चाहे वो फिर इनका एनिमल वेलफेयर का, एनजीओ का कंटेंट हो, क्योंकि अभी उस कंटेंट के दृश्य हमें देखने को नहीं मिले हैं कि वो कंटेंट कहाँ तक जाएगा, वो कैसे डेवलप होगा, उसके अंदर ये लोग किस तरीके से काम करने वाले, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। ऐसा ना हो कि पहले की तरह सलून 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 का हुआ बना, सलून हमारा है, सलून हमारा है, और लास्ट में ये चीजें सामने आई, लास्ट में एक बम फट गया कि अरे वो सलून तो था ही नहीं, वो सिर्फ एक प्रमोशन हो रहा था। तो जाहिर सी बात है ना कि दूध का जला हुआ तो छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो पास्ट में ऐसी चीजें देखी हुई है कि जिस वजह से अब इस इंसानियत फार्म को देखने की एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा ऑडियंस की है, और देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी किसी चीज का प्रमोशन हो और आगे चल के फिर से ऑडियंस को डिसअपॉइंटमेंट हो। तो अभी ये जर्नी लंबी है अभी, क्योंकि इस चीज पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो जैसे जैसे जो जो चीजें होंगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और बात करना चाहूंगी कि नाफरमान मलिक वैसे तो दुबई में है, लेकिन उनका पूरा ध्यान हिंदुस्तान की, भारत की ही सरजमी पे है। भारत में क्या हो रहा है तो बहुत दूर की बात है, यूट्यूब में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सब चीजों पे उनकी नजरें हैं, और अच्छी बात है। आप जिस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हो, उस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको सारी खबर होनी भी चाहिए कि आप वहां पे नहीं अवेलेबल हो तो उस पीछे से चीजें क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अच्छी बात है, कीप योरसेल्फ अपडेटेड। बट इसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो दुबई ट्रिप को बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहे हैं। वहां चले तो गए हैं, मे बी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए हो, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए ही गए हैं। घूमने के लिए जाते तो पूरी फैमिली को साथ में लेके जाते, तो वहां पे एंजॉय करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पे या तो टोंट मारते हुए नजर आ रहे हैं या शूटिंग में बिजी होंगे, लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो एक और चीज मैंने जो नोटिस करी, वहां पे ये जिनके घर गए हैं, जिनको अपनी दीदी बोल रहे हैं, तो उन दीदी से ये बात करते हुए नजर आए कि इंसानों पर से मेरा विश्वास टूट चुका है, क्योंकि इंसानों के अंदर बहुत ज्यादा जेलसी भरी होती है और वो हमेशा पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि नाफरमान ने इस चीज के बारे में बात की हो, ऐसा कई दफा हुआ है कि छोटी छोटी चीजों में उन्होंने अपने इमोशंस, अपने अंदर की बात को निकाला हो। तो ये इशारा उनकी किसकी तरफ है, किसकी तरफ नहीं है, खैर जिनकी तरफ ये इशारा होगा
उन्हें तो ये इशारे आराम से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन ये बात बहुत सटीक मुझे लगी कि यस इंसानों पे भरोसा नहीं है लेकिन जानवरों पे भरोसा है। तो ये बात आज के टाइम पे बिल्कुल फिट बैठती है कि जहां पे हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देता है, एक इंसान दूसरे इंसान की उपलब्धि से चिढ़ता है, जलन की भावना रखता है, वहां पे बेजुबान जानवर के लिए कुछ कर लो तो वो जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेगा। अगर वो एहसान नहीं भी मानेगा तो भगवान परमात्मा आपके कर्मों में वो सब चीजें ऐड करेगा और आपको अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। तो बेजुबान जानवर की मदद करो, रास्ते में पड़े हुए जानवरों को इस तरीके से गाड़ी से मत कुचलो, अपनी ड्राइविंग अपनी स्पीड पे ध्यान दो। किसी भी पशु को किसी भी जानवर को अगर आपको दिखता है कि आपकी वजह से किसी को हार्म हो गया तो उनको ट्रीट करने की कोशिश करो, ना कि उनको रास्ते पे ऐसी छोड़ के चल दो। तो यस आजकल के इंसानों के कंपेरिजन में मैं भी यही बोलूंगी कि जानवर ज्यादा लॉयल है। तो जैसे कि आप मेरा नेचर जानते ही हो कि मुझे जब जिसके ब्लॉग से जो चीज अच्छी लगती है मैं उस चीज को भी एक्नॉलेज करती हूँ, और जो चीज मुझे ऑकवर्ड और नेगेटिव लगती है मैं उस चीज को भी एक्नॉलेज करती हूँ। तो मेरी वीडियो में दोनों ही साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज आपको देखने को मिलते हैं, एंड आई नो मेरी ऑडियंस इस चीज को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा प्यार भी देती है। थैंक यू सो मच गाइज आप सबके प्यार के लिए, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, और जिस तरीके के सजेशन आप मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में देते हो ना, मैं उन सजेशंस को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो इसी तरीके से अपने सजेशन देने बिल्कुल बंद मत करिएगा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, और जरूरी नहीं कि जो नजरिए से मैं बात करती हूँ सामने वाले का या हर पब्लिक का वो नजरिया सेम हो, क्योंकि ये यूट्यूब है, यहाँ पे कितने सारे लोग आते हैं और हर बंदे का अपना अपना एक माइंडसेट होता है। तो आप सबके माइंडसेट के हिसाब से मैं आप सबको हमेशा बोलती हूँ कि अपनी राय और अपने सजेशन मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे जो भी कमेंट ऐसा लगता है कि यस इस चीज पे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है या यस यहाँ पे मैंने गलती करी है तो मैं उस गलती को इम्प्रूव जरूर करूंगी। सो यहीं पे आज का वीडियो एंड करते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।